वेलकम टू इंटेलिजेंसिया इंस्टीट्यूट। इंटेलिजेंसिया इंस्टीट्यूट के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर बिमस्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया, तो भारत में। हाल ही में किस देश में साइक्लोन ग्रेबियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया, तो ये न्यूजीलैंड में किया गया था। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ, तो ये आदिस अबाबा इथोपिया में। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हुआ है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया, तो मनामा बहरीन में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ली कियांग को। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया, तो इसका नाम है फ्रीडम शील्ड। ठीक, आगे देखते हैं। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो इनका नाम है नेमत शरीफ सफीक है। नेमत सफीक को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो चेक गणराज्य का। आगे देखते हैं। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है वेदांत पटेल। मालवी सरकार या मालावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा मार्च 2023 में किया, तो इस चक्रवात का नाम है चक्रवात फ्रेडी। तो मालदीव की सरकार ने जो है इसकी घोषणा किया है, ये याद रखना जरूरी है। ये चक्रवात आया कहाँ था, तो चक्रवात फ्रेडी। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की, तो परमाणु पनडुब्बी साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे कम विकसित देशों LDC पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहां संपन्न हुआ, तो दोहा कतर में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में फैन अभ्यास साइक्लोन फास्ट किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो भारत और इजिप्ट के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन फास्ट। ठीक, हाँ। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो इस रेडियो का नाम है Radio GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 की स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, तो यह है डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNFCCC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की, तो रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहां पर मानव जीवन संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, तो फिनलैंड बना है। ठीक है, मिशन आर्टेमिस टू के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी, तो इनका नाम है क्रिस्टीना कोच और ये हैं अमेरिका की। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया, तो नॉर्वे में किया गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2023 में हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है, तो ये बना है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया। हाल ही में जापान के टोक्यो में स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला
कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है, तो उज्बेकिस्तान ने। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य एक मिनट कनेक्टिकट का सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है, तो मनमीत कोलोन को। ठीक है, ये भारतीय मूल की पहली महिला हैं। हाँ, पाकिस्तानी मूल की हामजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो स्कॉटलैंड का। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है डिल्मा वान रूसेप, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स एडीबी बैंक का अध्यक्ष चुना गया, वह किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, तो ब्राज़ील की। तो ये पूछ सकता है, क्योंकि पिछले बार भी पीजीएस में 2021 में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, सीधा पूछ लेगा कि डिल्मा वान रूसेप जो हैं ये किस देश की हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील से हैं इसका संबंध। ठीक, वह अफ्रीकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान किया है, तो इस देश का नाम है बुर्किना फासो। ठीक, हाँ, अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं। एक बार जब नवाज शरीफ को जेल हुआ था, तो ये पीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया था इस टाइप का। ठीक है, तो पूछ सकते हैं अभी। हाँ, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र प्रदान किया है, तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, तो यह है शिनयाह द्वीप। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित किया है, तो यूनिसेफ ने प्रकाशित किया है। ठीक है, जहाँ पे चिल्ड्रन का नाम आएगा और ये सब चिल्ड्रन से रिलेटेड रहेगा, यूनिसेफ ही होता है। ठीक है, अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31st देश बना है सदस्य देश, तो फिनलैंड बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है रिचर्ड वर्मा। ठीक है, गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश बना है, तो इटली बना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत की किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF को मंजूरी प्रदान किया है, तो श्रीलंका को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा किए हैं, तो बेलारूस में। ठीक है, मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान रहा शीर्ष पर, तो वियतनाम का रहा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि किए हैं, तो इस महाद्वीप का नाम है जिलैंडिया। ठीक है, यह एक लंबा फकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतया दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो न्यूयॉर्क में किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट है।
हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, तो 26% है, 26%। ठीक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तो मिस्र शामिल हुआ है। और नाटो में कौन शामिल हुआ है, तो फिनलैंड। ठीक है, ये दोनों याद रखना, नाटो में फिनलैंड है और 31वां सदस्य बना है देश नाटो में, वो फिनलैंड। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है, तो स्पेन। स्पेन जो है ये पारित किया है और ये पहला देश है, ठीक है, जो मासिक धर्म होता है तो उसमें जो है महिलाओं को जो है छुट्टी प्रदान किया जाएगा। अगर कोई महिला सरकारी जॉब करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं और मासिक धर्म के दौरान जो है उनको छुट्टी प्रदान किया जाएगा, ऐसा कानून बनाया गया है, स्पेन ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, तो ब्राज़ील बना है। ठीक, वह देश जिसकी ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया है, तो यूक्रेन। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा किया है, तो कनाडा ने। ठीक, आगे देखते हैं, मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फोन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, ठीक है, तो ब्रिटेन ने। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा, तो अफगानिस्तान रहा, और भारत का स्थान यहीं पर 13वां रहा। ठीक है, 13वें स्थान पर भारत है। ठीक, आगे देखते हैं, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा, तो फिनलैंड रहा। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को 895 मिलियन डॉलर के क्रूज मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन किया, तो कहां पर किया, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है, तो बांग्लादेश ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से गर्मी जमा कर सकती है, तो फिनलैंड ने। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गशेर्टी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किए हैं, तो नई दिल्ली, भारत। ठीक, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। वह देश जहां के मिशेल सेंटलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं, तो इटली के हैं ये। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो नीदरलैंड। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को एमआरएनए ठीक वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई, तो रवांडा। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किए हैं, तो चीन। ठीक, चीन जो है यह मध्यस्थता किया है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है, तो इसका नाम है C2022E3ZTE। ठीक है,
विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को। ठीक है, मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश कौन बना? तो पोलैंड बना है। ठीक है, जब युद्ध हो रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो लड़ाकू विमान जो है ये पोलैंड ने सबसे पहले प्रदान किया। ठीक है, हाँ, स्विस फर्म आईक्यू ईयर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है इस चार्ट है। लेकिन ये रिपोर्ट भी याद रखना, क्योंकि रिपोर्ट जो है अलग अलग शहर को बताए हैं। ठीक है, तो ये स्विस फर्म है, आईक्यू ईयर है, उसके अनुसार चार्ट जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 2022 में PM2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, मतलब अगर PM2.5 देखते हैं तो इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग जो है दुनिया के सबसे जो मतलब पाकिस्तान का लाहौर है वो शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया? तो हिमालयी देश जो भूटान है इसको बाहर किया गया है। ठीक है, मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ठीक है, जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन 2000 वर्ष शिलालेख का रून स्टोन की खोज कहां पर हुआ? तो ओस्लो नॉर्वे में। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? तो वर्ष 2035 से। ठीक है, 2035। ठीक, मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकरा कर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूस। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर बिंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ब्रिटेन होगा। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निकोला फॉक्स हैं। ठीक है, मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालातास्की को 10 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई है? तो ये हैं बेलारूस के। ठीक है, तो ये जो हैं बेलारूस जो है, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता जो है इनका नाम है एलिस बियालातास्की, तो इनको 10 वर्ष की जो है सज़ा सुनाया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला था और पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला था, ये भी याद रखना जरूरी है। पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। ठीक है, हाँ, एलिस और उनके द्वारा स्थापित संगठन बियाफेना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया है। ठीक है, ये है मतलब इसी कारण इनको जो है 10 वर्ष का सजा सुनाया गया है। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश बना है? तो क्रोएशिया बना है। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर भारत है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया ने। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसे
देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है तो रामचंद्र पौडेल को। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्होंने या जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा किया गया तो भारत के द्वारा। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। हाँ, सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य देश हैं तो अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, अब पूछ सकता है कि चिप 4 में कौन कौन देश शामिल हैं तो अमेरिका शामिल है, जापान है, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, और ये सब किया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, चाइना को जिससे लोग काउंटर कर सकें, इसीलिए इस प्रकार के अलायंस किए जा रहे हैं। ठीक है, चिप 4, ठीक, याद रखना ये। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं तो ईरान में। स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा तो इसका नाम है सुल्तान अल नेदी और ये यूएई के हैं। ठीक है, वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है तो बृहस्पति। ठीक है, अब इसके 92 चंद्रमा हो गए हैं, इसके पहले शनिका था। ठीक है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3rd ने हाल ही में किफे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है तो इनका नाम है प्रिंस एडवर्ड। ठीक, वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है तो साइप्रस है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है तो नेपाल। ठीक, ये पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है तो किस देश को जो है शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है तो नेपाल को। ठीक है, जो इंडिया के नेबर्स कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूज रहता है इंटरनेशनल तो ज़रूर आते हैं ये। ठीक है, दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं तो स्पेन है। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट है फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNS ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में जो है लॉन्च किया तो इसका नाम है शवोट। ठीक है, और इसका पूरा नाम होगा सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्षयान। ठीक है, दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक, वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है तो न्यूजीलैंड ने। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है तो दमिश्क सीरिया को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किफे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है तो
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, ठीक है। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस एक्स 9 फाल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया, तो इसका नाम है राशिद चंद्रयान, ठीक है। चंद्रमा की कंपनी आई स्पेस इंक, सॉरी फिर से देखते हैं, चंद्रमा की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया, तो इसका नाम है M1, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको ला पारित किया, तो न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, तो इजराइल के द्वारा। हाँ, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस पहले पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है, तो ब्रिटिश पैराओलंपिक धावक जॉन मैकाफॉल, इसका नाम है, ठीक है, जॉन मैकाफॉल। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो चीन के साथ में, और इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है, ठीक है। हाँ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो ये 25 नवंबर को मनाया गया, 25 नवंबर। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीकी फेलियर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया, तो अमेरिका के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी फॉक्स बीमारी का नाम घोषित किया है, तो एम पॉक्स है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को जो है वर्ड ऑफ ईयर चुना है, तो इसका नाम है गोब्लिन मोड। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस का थीम क्या है, तो हर बच्चे के लिए समावेशन, ठीक है, ये इसका विषय रहा, थीम रहा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो ये शब्द है होमर, ठीक है। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष जो है थीम क्या था, तो एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ठीक है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। हाँ, नेक्स्ट है, 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो पटाया शहर है और ये थाईलैंड में पड़ता है, और इस सम्मेलन का विषय क्या था या थीम क्या है, तो फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनोवेट कोलोबरेट एक्सेलरेट, ठीक है। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट ईयर प्रोग्राम की घोषणा की है, तो जापान इटली और ब्रिटेन ने, ठीक है। नवंबर 2022 में पटाया शहर जो है थाईलैंड में पड़ता है में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो भारत को। 15 से 18 नवंबर 2022 के बीच गुणवत्ता नियंत्रण परिषद का 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। नासा के आर्टिमिस फर्स्ट मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, तो इसका नाम है ओरियन। वैश्विक स्तर पर
31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस का विषय क्या था, थीम क्या था? तो इसका थीम जो था सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर चिल्ड्रन। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम क्या था, विषय क्या था? तो गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? तो द स्टॉर्म कोस्टर दुबई को। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस है और ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर 2022 को, और इसका केंद्रीय विषय जो है रहा बेटर सिटी बेटर लाइफ। ठीक, अब 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को जो है ग्रहण किया? तो इनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक नाम है। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है मनाया जाता है 9 दिसंबर 2022 को, और 9 दिसंबर 2022 को मनाया गया। ठीक है, और इस वर्ष जो है इसका विषय क्या रहा 2022 का? तो इसका विषय रहा यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, यह रहा भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। ठीक है, 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है डर्मस्टाट में, और ये पड़ता है जर्मनी में। ठीक, आगे देखते हैं। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को सदस्य संघ, सॉरी फिर से देख लेते हैं, नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति हुआ? तो पूर्वी तिमोर। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2023 के बीच कहां पर हुआ? तो ये जो है हुआ है नोम पेने कंबोडिया में। ठीक है, नोम पेने कंबोडिया में। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस का विषय क्या रहा? तो हर बच्चे के लिए समावेशन, हर बच्चे के लिए समावेशन जो है ये वर्ष 2022 विश्व बाल दिवस का विषय रहा। ठीक है, और विश्व बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, 40वें और 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या रहा? तो आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। ठीक, 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90 इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो इंटरपोल महासभा का ये क्रम जो है 90 रहा, और ये आयोजन इसका किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखना, बस इंटरपोल महासभा का सम्मेलन कहाँ हुआ बस ये याद रखना है, नई दिल्ली में हुआ और बाकी कुछ नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया? तो 18 नवंबर को। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 18 नवंबर को जो है किस संगठन के द्वारा बाल यौन शोषण दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस मनाने की घोषणा किया गया है? तो दे देगा यूनाइटेड नेशन जैसे यूएन दे देगा, यूएनएससी दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे यूएन जी ये देगा, यूनाइटेड नेशन जनरल। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ये होगा, ये याद रखना है मतलब बस। ठीक, पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया गया का केंद्रीय विषय क्या रहा? तो केंद्रीय विषय रहा शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। ठीक है, ये विषय रहा। 19 नवंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष जो है विषय क्या रहा या थीम क्या रहा? तो हेल्पिंग मेन एंड बॉयज। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली
वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन की एक फंड की स्थापना किया गया तो G20 के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाने का घोषणा किया गया तो 15 नवंबर 2022 को। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया तो इंडोनेशिया में। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस वर्ल्ड निमोनिया डे तो इस वर्ष जो है इसका विषय क्या रहा तो निमोनिया एफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष थीम क्या रहा तो सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया तो कंबोडिया में किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्ट्रॉइड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है तो इसका नाम है साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया तो मुद्रा निगरानी सूची से। नवंबर 2022 में आयोजित बया बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोलर टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन बिमस्टेक की कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली भारत में। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया तो मोरक्को के रबात में किया गया। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया तो इसका नाम है रॉल्स रायस और जेट कंपनी। ठीक है, रॉल्स रायस और जेट कंपनी। ठीक, 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष है थीम क्या रहा तो मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए तो इसका नाम है जॉम्बी वायरस। दिसंबर 2022 में समुद्र के रास्ते से रूसी पेट्रोल कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है तो G7 ने। नवंबर 2022 में US डिक्शनरी प्रकाशक मारियम बेबेस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है तो गैस लाइटिंग। 29 नवंबर 2022 को किसे कॉब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया तो दक्षिण कोरिया की मीना सु चोई को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजाति की खोज की है तो ऑस्ट्रेलिया। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड दिवस के इस वर्ष विषय क्या रहे तो इसका विषय का नाम है समता। ठीक है, ओ समानता। ठीक है, इक्विलाइजर। ठीक, मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है तो इसका नाम है हेमजेनिक्स। ठीक, इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या था। ठीक है, तो इस थीम रहा जो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है तो इसका नाम है फ्रेंच बेगेट है।
2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस वर्ष का विषय क्या रहा? तो स्टोरीज ऑफ कवरेज, रेजिडेंस रेजिस्टेंस एंड सॉरी फिर से देखते हैं दो दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष विषय था तो स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक, 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस इस वर्ष की थीम क्या रहा? तो रेडियोग्राफिस एट द फोरफ्रंट ऑफ पेटेंट सेफ्टी। फिर से देखते हैं, सॉरी एक मिनट, 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष थीम थी तो रेडियोग्राफिस एट द फोरफ्रंट ऑफ पेटेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28-29 अक्टूबर 2022 को कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, तो इसका नाम है फाल्कन हैवी। ठीक, आगे देखते हैं फाल्कन हैवी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? तो सैमसंग के द्वारा। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो शर्म अल शेख, और ये मिस्र में पड़ता है COP27। ठीक, नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन कर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, और इस ट्रेन की लंबाई जो है 1910 मीटर है। ठीक, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर 2022 को, और किसने घोषित किया? यूनेस्को ने। ठीक है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? तो फार्मा क्राइसिस को। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष थीम है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान किया गया? तो गैवान और टोगो को। ठीक है, गैवान होगा और टोगो होगा। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष जो है विषय क्या रहा? ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। ठीक, नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, तो इस शहर का नाम है हार्लेम। 15-16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? तो इनका नाम है किंग चार्ल्स तृतीय। दुनिया की सर्वाधिक 2 स्टेट गगनचुंबी इमारतों में से
एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, तो डॉन्स ऑफ लाइट। ठीक, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है, तो सऊदी अरब में पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है, तो सऊदी अरब में। ठीक है, 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष जो है विषय था तो बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। ठीक, और कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खायाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया, तो ईरान। ठीक है, और किसने, रूस ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है, तो सिंगापुर में। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष थीम जो है क्या रहा, तो इस थीम रहा पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ठीक, 9 अगस्त को मनाया गया। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया, तो नेपाल को बनाया गया था। हाँ, आगे 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष थीम क्या रहा, तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस रहा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए, तो इसका नाम है स्ट्रोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की, तो इसका नाम है ब्लैक विंडो। ठीक है, कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्ट्रेक 2022 का 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच आयोजन कहाँ किया गया, तो मिलान इटली में किया गया। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर धनुरी को लॉन्च किया, तो दक्षिण कोरिया से। ठीक है, दक्षिण कोरिया में जो है ये लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं, अगस्त 2022 में फिर से देखते हैं, अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर धनुरी को लॉन्च किया, तो दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहां पर किया गया, तो कुटेफी जॉर्जिया में। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव एक्सीबल अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम थी तो सींग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में जारी माहवारी उत्पाद निशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो स्कॉटलैंड। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष जो है थीम क्या रहा, तो पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले
सबसे कम उम्र 17 वर्ष के पायलट बने हैं तो मैक रदरफोर्ड। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बना है तो दक्षिण कोरिया, और 0.81 है प्रजनन रेटिंग का। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटेफी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा तो तीसरे स्थान पर। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष जो है थीम क्या रहा तो इंटरग्रेशनल सॉलिडिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एज। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इस वर्ष विषय क्या रहा तो पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस इस वर्ष थीम क्या रहा तो कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इस वर्ष विषय क्या रहा तो बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। 22 जुलाई 2022 को विश्व मस्तिष्क की इस वर्ष विषय क्या रहा तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। आगे देखते हैं। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया तो अंगोला में खोजा गया। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस कि इस वर्ष की थीम क्या रहा तो 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम रहा तो फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य दिवस के इस वर्ष जो है थीम क्या रहा तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष थीम क्या रहा रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशन। ठीक है, फॉर द ओशन ये रहा। 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष थीम क्या रहा तो एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया तो इसका नाम है फ्यूजियाना। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष थीम क्या रहा तो चौराहे पर संगीत। वह देश जहां पर खुब्सगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया तो ये मंगोलिया होगा। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया तो ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया भर में वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 से 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हो गए हैं तो 420 मिलियन। 29-30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया तो मैड्रिड स्पेन में। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया तो वियना ऑस्ट्रेलिया को।
हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो भारत रहा। 13 जून 2022 को सिप्री द्वारा जारी ईयरबुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि किया गया, तो रूस में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की इस वर्ष जो है थीम क्या रहा, तो टोबैको इज किल्ड अस एंड आवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का इस वर्ष विषय क्या रहा, तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका नाम है दा विंची। और दा विंची का पूरा नाम है डीप एटमॉस्फियर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, ठीक है, दा विंची। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबी पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया 25 जून 2022 को, तो बांग्लादेश। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया, तो रॉकेट जुलजाना। 24-25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए संयुक्त राष्ट्र देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान किया गया, तो अफ्रीकी देश गैवान और टोंगो को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश कौन रहे, तो केनिया रहा और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष जो है विषय क्या रहा, तो ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मोनी विद नेचर, ठीक। 30 मई 2022 को किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया, तो इसका नाम है फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर नाम है। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकंड में क्विंटेलियन कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित किया है, ठीक है, इससे पहले फुगाकू को था। 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आदिस अबाबा इथोपिया में। जून 2022 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया है, तो लंदन। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इस वर्ष विषय क्या रहा, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है ये मनाया जाता है 30 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का जो है इस वर्ष 2022 में विषय रहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की इस वर्ष की थीम रही तो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली के पौधे की खोज कहाँ पर की है, तो लंदन स्थित रिचमंड में, ठीक है। और लंदन में जो है रिचमंड में ही एक गार्डन पड़ता है, केओ बोटानिकल गार्डन पड़ता है, तो यहीं पर हुआ, ठीक। हाँ,
वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया, तो चेक गणराज्य में 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम रहा तो प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष थीम थी तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, ठीक है, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, ठीक है, ये विषय रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का और मनाया गया 3 मई 2022 को। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस के इस वर्ष का मुख्य विषय था तो सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें, ठीक है, सुरक्षा के लिए एकजुट हो और अपने हाथ को साफ करें, यह विश्व स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का जो है थीम रहा, विषय रहा और जो मनाया गया 5 मई को। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा तो नॉर्वे रहा। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस का इस वर्ष जो है विषय रहा तो क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष थीम थी तो नर्स आ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ठीक। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष थीम थी तो विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश तो दक्षिण कोरिया बना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अर्गीनिया दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गीनिया का इस वर्ष विषय रहा तो द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला आईएफए का 105वां सदस्य देश बना तो नेपाल बना। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया तो भारत को। 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का इस वर्ष का विषय था तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मतलब विश्व मलेरिया दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, इसका विषय रहा मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, ठीक है, ये रहा इसका विषय। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही तो इसका नाम है कामी रेता फेरप्पा और ये नेपाल के हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना तो इक्वाडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा अर्बन डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी तो मुंबई और हैदराबाद को, ठीक है, और FAO का जो है ये मुख्यालय इसका है रोम इटली में, ठीक है, ये भी याद रखना। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक योम कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया है गुआडालाजारा मैक्सिको को, ठीक है। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की इस वर्ष थीम क्या था तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 11 अप्रैल 2022 को
चौथा, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाशिंगटन डीसी में। 22 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दी किस देश को किया गया? तो कंबोडिया को। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी में 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का थीम क्या रहा? तो टूवर्ड्स रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमी, हेल्दी पीपल। एक बार फिर से देख लेते हैं, टूवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। ठीक, ये रहा। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का इस वर्ष का विषय था, तो बौद्धिक संपदा और युवा, बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। ठीक, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी तो रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक है, तो यही हम ख़त्म करते हैं जो आर्थिकी है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और चैनल को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।